हाय गाइस, वेलकम टू वन एक स्मार्ट क्लास। मैं अमृत रेंदु आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी हूं। आज हम एसएससी के एक चैप्टर के बारे में यहां पे बात करेंगे। ज़्यादातर देखा गया है कि एसएससी में टोटल 25 क्वेश्चन रहता है। उस 25 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन का मार्क्स दो करके रहता है, ठीक है। सो कुल मिला के 50 मार्क्स होता है। सो अगर हम थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा या प्रैक्टिस करते हैं तो इस 50 में हम बड़ी आसानी से 46 से 48 मार्क्स हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। तो ये एसएससी में जो रीजनिंग वाला पार्ट है, उस रीजनिंग पार्ट में एक चैप्टर रहता है जो होता है कैलेंडर। क्लियर? देखा गया है कि कैलेंडर से हर साल एक या दो सवाल हमेशा इस एसएससी में या रेलवेज में देते हैं। क्लियर? सो आज हम उसी टॉपिक के बारे में यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोगों का ये टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। क्लियर? कैलेंडर पढ़ने से पहले हमें कुछ बात याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कैसा ना, क्वेश्चन कैसा देगा? क्वेश्चन दे सकता है कोई भी एक डेट दे दिया, मान लो 20th September 1984 अगर कोई एक डे हुआ। सो नेक्स्ट ईयर में वही 10th October 1985 वाला डे वो कौन सा होगा, ठीक है। या तो पूछ सकता है कि 11th October 1992 विल बी विच डे। क्लियर? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि दो दिन पहले फ्राइडे था, सो आज से 63 डेज के बाद कौन सा डे आएगा, ठीक है। या तो पूछ सकता है, एक ईयर दे दिया, मान लो 2019 का जो कैलेंडर है वो नेक्स्ट कौन सा ईयर का कैलेंडर के साथ मैच करेगा, ठीक है। सो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक जो है कैलेंडर, ठीक है। सो कैलेंडर पढ़ने से पहले हमें जो चीज याद रखना पड़ेगा, वो है क्या ना, कितना टाइप ऑफ ईयर होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना टाइप ऑफ ईयर होता है ना, यहाँ पे सिर्फ दो टाइप का ईयर होता है। एक होता है मेरा ऑर्डिनरी ईयर और एक होता है मेरा लीप ईयर। सो फर्स्ट होता है कौन ना, फर्स्ट होता है मेरा ऑर्डिनरी ईयर, जिस ऑर्डिनरी ईयर में कितना नंबर ऑफ डेज रहता है ना, टोटल नंबर ऑफ डेज जो रहता है वो होता है 365। और एक होता है मेरा क्या ना, एक होता है मेरा लीप ईयर। उस लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होता है ना, उस लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज होता है मेरा 366। क्लियर? अब पूछेंगे कि हर एक वीक में कितना करके डेज होता है ना, हर एक वीक में मेरा 7 करके डेज होता है। सो अगर 7 करके डेज हुआ सो टोटल कुल मिला के मेरा कितना वीक मिलेगा ना, टोटल मेरा जो वीक है वो 52 वीक है। अब जहन में ये सवाल आ सकता है कि ये 52 वीक जो आया, ये आया कैसे ना, ये आया कुछ ऐसे ना, 365 ये मैंने कौन सा ईयर को लिया ना, ये मैंने ऑर्डिनरी ईयर को लिया। क्लियर? इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो ये होगा मेरा ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है, क्योंकि 365 है। ये होता है नंबर ऑफ डेज पर वीक, ये होता है नंबर ऑफ वीक पर ईयर, और ये होता है मेरा एक्स्ट्रा डे, ठीक है। हम जब सवाल कुछ करेंगे तब ये वाला जो एक्स्ट्रा डे है ये हमें काम पे लगेगा, ठीक है। सो 365 दैट मींस ऑर्डिनरी ईयर पे कितना करके डेज एक्स्ट्रा होता है, 1 करके डेज एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। सो अगर एक ऑर्डिनरी ईयर एक डे करके एक्स्ट्रा दे रहा है तो एक लीप ईयर मेरा कितना डेज एक्स्ट्रा देगा ना, एक लीप ईयर मुझे 2 डेज एक्स्ट्रा देगा, ठीक है। सो यहां से और कुछ याद रखना नहीं है, सिर्फ ये याद रखना कि एन ऑर्डिनरी ईयर गिव्स 1 डे एक्स्ट्रा एंड अ लीप ईयर गिव्स 2 डेज एक्स्ट्रा। एक ऑर्डिनरी ईयर मुझे हमेशा एक दिन करके एक्स्ट्रा देगा और एक लीप ईयर मुझे 2 दिन करके एक्स्ट्रा देगा, ठीक है। एक ऑर्डिनरी ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है, टोटल नंबर ऑफ वीक होता है 52, हर वीक में नंबर ऑफ डेज होता है 7, ठीक है। और एक्स्ट्रा डे कैसे आया ना, जो डेज होता है उसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं जो मुझे रिमाइंडर मिलेगा वही मेरा एक्स्ट्रा डे है। सो 365 को अगर 7 से डिवाइड किया, एक्स्ट्रा डे कितना आया, 1। सो हम कह सकते हैं कि
एक ऑर्डिनरी ईयर मुझे कितना दिन करके एक्स्ट्रा देगा? ना एक दिन करके एक्स्ट्रा देगा, और एक लीप ईयर मुझे दो दिन करके एक्स्ट्रा देगा, ठीक है। नाउ यहां पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? यहां पे क्वेश्चन आते हैं कुछ इस तरह से, मान लो कि दिया कुछ ऐसे कि 10th October 2021 is Sunday। मान लो दिया कैसे ना 14th November 2023 मेरा कौन सा डे है, क्लियर। क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, या तो क्वेश्चन दे सकता है डायरेक्ट कि 14th November 2023 मेरा कौन सा डे होगा, ठीक है। देखो इसमें अगर कैलेंडर के साथ मैच होता है, क्वेश्चन में जो डेट दिया वो डे अगर कैलेंडर के साथ मैच होता है, सो तुम्हें जो आंसर मिला, तुम्हें जो आंसर मिलेगा वो भी कैलेंडर के साथ मैच होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये डेट इस डेट से कैलेंडर के साथ मैच नहीं हुआ, ठीक है, ये डेट अगर कैलेंडर के साथ मैच नहीं हुआ, तुम्हारा प्रोसेस अगर ठीक रहा, सो जो आंसर आएगा वो ये डे के हिसाब से सही आएगा, लेकिन ये डे कैलेंडर के साथ कभी मैच नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जो डेट दिया हुआ है वो अगर कैलेंडर के साथ मैच नहीं हो, तुम्हें जो आंसर मिलेगा वो भी मेरा कैलेंडर के साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ प्रोसेस अगर ठीक रहता है, प्रोसेस अगर ठीक रहता है सो आंसर मेरा राइट होगा। किस डे के हिसाब से आंसर राइट होगा? नहीं, इस डे के हिसाब से आंसर राइट होगा, ठीक है। बट वह यहां पे ये अगर डायरेक्ट दे दिया, इसका आंसर ऑलवेज मेरा कैलेंडर के साथ मैच होगा, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सो डेट मैंने क्या दिया था, 10th 2021 अगर मेरा संडे है, तो मैंने पूछा था 14th November 2023 मेरा कौन सा डे होगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन करने के लिए, ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें जो सोचना पड़ेगा वो क्या ना, अगर 10th 2021 मेरा संडे है, क्या कहा मैंने, 10th 2021 अगर मेरा संडे है, तो हमें पहले जो निकालना पड़ेगा वो है 10th 2023 मेरा कौन सा डे है। अगर 10th 2023 मेरा डे निकल गया, उसके बाद हमें निकालना है कि 14th November 2023 मेरा कौन सा डे होगा, क्लियर। ये प्रोसेस है, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने क्या किया ना, 10th 2021 अगर संडे है, सो सबसे पहले मैंने क्या निकाला कि 10th 2023 मेरा कौन सा डे होगा, ये कोई ना कोई एक डे होगा, हाँ या ना। अब उसके बाद अगर 10th 2023 मेरा ये डे हो गया, तो 14th नवंबर 2023 मेरा क्या डे होगा, ये है मेरा प्रोसेस, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं, 10th 2021 को मैंने क्या लिया था, संडे, और मैंने पूछा था क्या ना 14th नवंबर 2023 मेरा कौन सा डे होगा, राइट, ये मेरा क्वेश्चन था। सो 10th 2021 कौन सा डे है, संडे। सो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि 10th 2023 मेरा कौन सा डे होता है। नाउ 21 से 23 नंबर ऑफ ईयर कितना मिला ना, नंबर ऑफ ईयर मिला मुझे दो, और अब देखो 21 से 23 के बीच एक भी मेरा लीप ईयर नहीं है, एक 20 पे चला गया लीप ईयर और एक 24 पे आएगा लीप ईयर, लेकिन 20 और 23 के बीच कोई लीप ईयर नहीं है। सो टोटल कितना एक्स्ट्रा ईयर है, दो ईयर एक्स्ट्रा, और दो कैसा ईयर है
ना दो ही ऑर्डिनरी ईयर है। सो मुझे पहले पता था कि एक ऑर्डिनरी ईयर मुझे कितना करके डेज एक्स्ट्रा देगा, एक करके डेज एक्स्ट्रा देगा, और एक लीप ईयर मुझे कितना करके डेज एक्स्ट्रा देगा, ना दो करके डेज एक्स्ट्रा देगा। सो यहां पे टोटल कितना ईयर हो मेरा, दो ईयर, दोनों की दोनों कौन सा ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर। एक ऑर्डिनरी ईयर मुझे कितना करके डेज एक्स्ट्रा देता है, एक करके। सो एक ऑर्डिनरी ईयर अगर एक करके डेज एक्स्ट्रा दिया, दो ऑर्डिनरी ईयर मुझे कितना दिन एक्स्ट्रा देगा, ना दो ऑर्डिनरी ईयर मुझे दो दिन एक्स्ट्रा देगा। अब बताओ कि ये जो दो दिन मुझे मिला वो प्लस करेंगे या माइनस, ये हमेशा याद पे रखना। अगर 21 से 23 तक हम जाते हैं सो आगे जा रहे हैं ना, दैट्स वाई ये प्लस पे आएगा, ठीक है। ये अगर 2023 के जगह पे 19 रहता और मान लो कि दो ही दिन मुझे एक्स्ट्रा मिलता तो वो दो दिन मेरा माइनस होता, ठीक है। सो आगे जाएंगे तो प्लस, अगर पीछे जाएंगे तो माइनस, ठीक है। सो 2021 से 2023 कितना साल हुआ, दो साल, दोनों ही कैसा साल है, ना ऑर्डिनरी साल है। सो ऑर्डिनरी ईयर में कितना डे एक्स्ट्रा होता है, ना ऑर्डिनरी ईयर पे एक डे करके एक्स्ट्रा होता है। सो यहां पे दो ऑर्डिनरी ईयर हुआ, सो टोटल कितना डेज हुआ, दो डे। सो दो हम क्या करेंगे, ना दो हम प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं। सो कैन आई से दैट 10 2023 विल बी ट्यूजडे, क्योंकि मुझे दो एक्स्ट्रा डेट मिल रहा था, संडे प्लस टू, मंडे ट्यूजडे। सो मुझे क्या मिला कि 10 10 2023 मेरा कौन सा डे हो गया, ना 10 10 2023 मेरा हो गया ट्यूजडे, ठीक है। अब हम कहां पे आ गए, ना देखो 10th मतलब अक्टूबर, सो देखो हम लोग अक्टूबर तक आ गए, हाँ या ना, गुड। हमें जाना है कहां, ना नवंबर तक, ठीक है। सो अक्टूबर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितना रहता है, ना अक्टूबर में टोटल नंबर ऑफ डेज रहता है 31, उसमें से हम लोग कितना डेज ले लिए, ना उसमें से हम लोग 10 दिन ले लिए, तो बचा कितना, 21 दिन। 21 दिन मतलब जब भी ये जो एक्स्ट्रा डे है ना, इसको हम जब भी मेरा 7 से ज्यादा हो जाएगा हम 7 उसे हटा देंगे, क्योंकि हर 7th डे पे मुझे सेम डे मिलेगा। जैसे मान लो कि आज मंडे है, सो आज 2 तारीख है, मान लो कि आज 2 तारीख है, मंडे है, कोई किसी भी ईयर का, कोई भी मंथ का, आज 2 तारीख है, आज मंडे है। सो नेक्स्ट मंडे कब आएगा, ना 2 + 7 9, सो 9th पे फिर मंडे आएगा। फिर नेक्स्ट मंडे कब आएगा, ना 9 + 7 16, 16 पे फिर से एक मंडे आएगा, ठीक है। सो हर 7th डे पे मुझे सेम डे मिलेगा, हाँ या ना। तो इसलिए इस कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा करने के लिए मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूंगा, और लूंगा सिर्फ किसको, ना सिर्फ रिमाइंडर को लूंगा मैं। सो अगर मैंने 21 को 7 से डिवाइड किया, मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। सो ये मुझे कितना दिन एक्स्ट्रा देगा, ना 0 दिन एक्स्ट्रा देगा। और इसके बाद कौन आएगा, ना नवंबर। नवंबर में कितना, देखो जिस डेट से शुरू हुआ है उस मंथ में बचा कितना दिन, और जिस मंथ तक जाना है उस मंथ में जितना दिन कहेगा उतना दिन ही जाएंगे। सो 14 जाएंगे। अब 14 को भी अगर 7 से हम डिवाइड करते हैं, मुझे रिमाइंडर मिलेगा कितना, 0। सो टोटल कुल मिला के कितना दिन एक्स्ट्रा हुआ, ना कोई भी दिन मेरा एक्स्ट्रा नहीं हुआ। सो ये कौन सा डे था, ट्यूजडे था। अगर ये ट्यूजडे हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, ना ट्यूजडे, ठीक है, ठीक है। चलो एक दूसरा सवाल हम लोग करते हैं, जहां पे थोड़ा मेरा डेटा ज्यादा रहेगा। जैसे मान लो कि 11 10 2020 मेरा संडे है, सो पूछेगा कि 25th December 2026 मेरा कौन सा डे होगा, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करना पड़ेगा 11 10 2026 मेरा कौन सा डे है। अब देखो 20 से 26, ठीक है, 20 से 26 कितना साल, 6 साल। इस 6 साल में लीप ईयर कितना,
ना 20 से 26 तक, 20 में 20 भी एक लीप ईयर है, हमारे जहन पे ये भी आएगा कि 20 भी तो एक लीप ईयर है, लेकिन 20 का लीप ईयर अगर वो 29th फेब के पहले आता है ऑन और बिफोर, या तो 29th फेब या तो उसके बिफोर अगर कोई डेट होता है, तब उस डेट से जब दूसरे ईयर पे जम करेंगे तब 2020 एक मेरा लीप ईयर होगा, ठीक है। लेकिन ये डेट अगर आफ्टर 29th फेब हुआ, ये आफ्टर 29th फेब है ना, तब हम 2020 को लीप ईयर कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। कब कर सकते हैं? ऑन और बिफोर 29th फेब, देन 2020 इज एन लीप ईयर। इफ द डेट इज आफ्टर 29th फेब, देन दिस ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, क्लियर। नाउ दिस डेट इज आफ्टर 29th फेब, दैट्स व्हाई 2020 इज नॉट अ लीप ईयर। सो बिटवीन 2020 से 2026 के बीच, क्या कहा, 2020 से 2026 के बीच मेरा टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कितना है? एक ही है, जो है कौन ना 2024, ठीक है। सो 6 साल में मेरा लीप ईयर कितना मिला? एक। सो 6 साल में अगर एक लीप ईयर मिलता है, ऑर्डिनरी ईयर कितना मिलेगा? 5। एक ऑर्डिनरी ईयर, पहले ही कहा था कि एक ऑर्डिनरी ईयर मुझे कितना करके डेज एक्स्ट्रा देगा ना, एक करके डेज एक्स्ट्रा देगा। सो 5 ऑर्डिनरी ईयर मुझे कितना दिन एक्स्ट्रा देगा ना, 5 दिन एक्स्ट्रा देगा, ठीक है। एक लीप ईयर मुझे कितना दिन करके एक्स्ट्रा देगा ना, एक लीप ईयर मुझे 2 दिन करके एक्स्ट्रा देगा। सो कुल मिला के कितना दिन हो गया ना, 7 दिन। 7 दिन मतलब कह सकते हैं कि 0 डेज एक्स्ट्रा। So can I say that 11/10/2026 is also Sunday? हाँ या ना, क्योंकि यहां पे तो मेरा 0 डेज एक्स्ट्रा निकला, ठीक है। अब हम है कहां पे? अक्टूबर पे। जाना है कहां? दिसंबर। सो अक्टूबर पे है और दिसंबर तक जाना है। सो जिस मंथ से स्टार्ट किया, कौन सा मंथ से स्टार्ट किया? 10 से, मतलब अक्टूबर से स्टार्ट किया, उसमें बचा कितना दिन, और दिसंबर में जितना डेट तक कहेगा उतना डेट तक लेंगे, इन बिटवीन अगर कोई मंथ आता है उसका पूरा लेंगे, ठीक है। क्या बताया ना, देखो यहां पे अक्टूबर से शुरू हुआ था ना, सो अक्टूबर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होता है? 31। उस पे से हम लोग ले लिए कितने? 11 दिन, मतलब बचा कितना दिन? 20 दिन। 20 दिन मतलब कितना करके डेज एक्स्ट्रा होगा? अगर हम 20 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 7 × 2 = 14, रिमाइंडर 6। सो ये मुझे कितना दिन एक्स्ट्रा देगा ना, 6। और दिसंबर कितना दिन तक जाना है ना, दिसंबर में 25 तक जाना है। अब अगर 25 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3 × 7 = 21, रिमाइंडर 4। So, December मुझे कितना डेज एक्स्ट्रा देगा? 4। So, देखो जिस मंथ से स्टार्ट हुआ उसमें बचा कितना दिन, और जिस मंथ तक जाना है उसमें जिस डेट तक कहेगा उसी डेट तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। इन बिटवीन क्या कोई मंथ आता है? हाँ, देखो अक्टूबर और दिसंबर के बीच एक मंथ आता है, उसमें हम पूरा लेंगे, वो कौन है ना, नवंबर। नवंबर टोटल कितना डेज होता है ना, 30। सो नवंबर अगर 30 डेज हुआ, 30 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 7 × 4 = 28, रिमाइंडर 2। सो टोटल मेरा कितना डेज एक्स्ट्रा हुआ? 6 + 2 = 8 + 4 = 12। जितना दिन एक्स्ट्रा होगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना मिला? 5 मिला। दैट मींस ये कौन सा डे था? संडे। संडे से कितना जोड़ना है मुझे? 5 दिन जोड़ना है। तो संडे से अगर हम 5 दिन क्यों आगे जा रहे हैं? क्योंकि फिर से ये कौन सा ईयर था? 2020, क्लियर। जाना है कहां? 2026, आगे जा रहे हैं। दैट्स व्हाई ये 5 क्या होगा ना, 5 प्लस होगा। किसके साथ प्लस होगा ना, ये संडे के साथ प्लस होगा, ये संडे के साथ प्लस होगा। कितना दिन? 5 दिन। तो संडे से अगर 5 दिन करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे भी सोच सकते हैं। या तो अगर किसी ने मुझे कहा कि मुझे 5 दिन आगे जाना है, मैं 5 दिन आगे नहीं जाऊंगा, मैं 2 दिन पीछे चला आऊंगा। दैट मींस ये आगे और पीछे इन दोनों का एडिशन 7 होना चाहिए।
जैसे मैंने यहां पे कितना दिन एक्स्ट्रा लिया, 5 दिन, मतलब 5 दिन एक्स्ट्रा आया, सो मुझे कितना दिन आगे जाना पड़ेगा, ना 5 दिन आगे जाना पड़ेगा, किससे, ना संडे से। तो अगर संडे से कोई 5 दिन आगे जाता है, संडे से कोई 5 दिन अगर आगे जाता है, तो वो कैलकुलेट कैसे करेगा, ना मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे ऐसे कैलकुलेट करेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे 5 दिन आगे जाना है, 5 दिन आगे मत जाओ, क्या करना है कि 2 दिन पीछे चले आओ। जैसे संडे से अगर 2 दिन पीछे आए, सैटरडे फ्राइडे, दैट मींस ये आगे और पीछे का एडिशन मुझे 7 होना चाहिए, ठीक है। सो संडे से अगर हम 5 दिन ऐड करते हैं, सो मुझे कौन सा डे मिलता है, फ्राइडे। सो 25th दिसंबर 2026 मेरा कौन सा डे होगा, ना फ्राइडे होगा, क्लियर, ठीक है। ये है मेरा प्रोसेस, जैसे मैं तुमको समझाया, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस में करना मत, ठीक है, ये विदाउट पेन से होगा। कैसा, ना पहले ही देख लो, ये बीच का ये निकलने का जरूरत ही नहीं है, ये बीच में जो है ना, ये बीच में जो है ना, ये सोचने की जरूरत ही नहीं है मुझे, ठीक है। कैसे सोचेंगे, देखो विदाउट पेन, पहले देख लो कितना दिन देना है, 11/10/2026, ठीक है। 11/10/2020 से अगर हम 11/10/2026 पे आते हैं, कितना यार, 6 साल। अब देखो इसमें भी ये सोचना नहीं है, ये कुछ भी सोचना नहीं है, सिर्फ कितना ईयर आ रहा है उसके साथ प्लस कर देंगे, क्या कितना मेरा लीप ईयर आ रहा है, बस खत्म, और कुछ नहीं। क्या किया ना, पहले देखा 20 से 26 कितना साल होता है, 6 साल, इस 6 साल में लीप ईयर कितना, ना 1, सिर्फ इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 मतलब मेरा नंबर ऑफ ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर मुझे दे देगा एक्स्ट्रा डे, ठीक है। सो 6 और 1 कितना हो गया, 7, 7 मतलब हाथ पे कितना है, 0, मतलब वो संडे ही है। अब देखो अक्टूबर कितना देगा, 6, नवंबर कितना देगा, 2, और दिसंबर कितना देगा, 4, 6 और 2 8 4 12, 12 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना, 5, प्लस 5 और माइनस 2 एनीथिंग, सो प्लस 5 अगर करेंगे या माइनस 2 करेंगे, कौन सा डेट से, संडे से, संडे माइनस 2 फ्राइडे, कहानी खत्म, ठीक है। क्या कहा मैंने, ना पहले 20 से 26 तक आए, कितना साल, 6 साल, ठीक है, कितना लीप ईयर, 1 लीप ईयर, तो 6 और 1 कितना हो गया मेरा, 7 हो गया, 7 मतलब कितना डेज एक्स्ट्रा, 7 मतलब 0 डेज एक्स्ट्रा, क्लियर। उसके बाद अक्टूबर मुझे कितना देगा, 6 देगा, नवंबर कितना देगा, 2 देगा, और दिसंबर कितना देगा, 4 देगा, कुल मिला के कितना हो गया ना, 12 हो गया, 12 मतलब कितना डेज एक्स्ट्रा, 12 मतलब 5 डेज एक्स्ट्रा, 5 डेज मतलब 5 डेज आगे जाएंगे या तो 2 दिन पीछे आएंगे, ठीक है। कौन सा डे से, संडे से, संडे माइनस 2 फ्राइडे, ठीक है। देखो मैंने हाथ भी नहीं लगाया, क्लियर, ये समझाने के लिए था, करने के लिए नहीं, क्लियर। चलो एक दूसरा करते हैं, और एक क्वेश्चन में दिया 29/10 हो गया मेरा संडे, मान लो पूछा 16th December 2019 मेरा कौन सा डे है, ठीक है, विदाउट पेन। फिर पहले देखो 10 से 19 कितना साल, 9 साल, 9 साल में लीप ईयर कितना, ये लीप ईयर जो हम निकालेंगे ये कैसे सोचेंगे ना, ये जो लास्ट दोनों डिजिट है कौन कौन, 10 और 19, हमें सिर्फ सोचना है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 10 एंड 19 आर डिविजिबल बाय 4। सो 10 और 19 के बीच डिविजिबल बाय 4 कौन कौन है, एक 12 है, एक 16 है, सो जितना नंबर ऑफ डिविजिबिलिटी रहेगा बाय 4 उतना ही मेरा नंबर ऑफ लीप ईयर होगा, ठीक है। ये लीप ईयर जानने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, किसी भी ईयर को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, उसका अगर कोई रिमाइंडर नहीं आता है, ठीक है, सो उस ईयर को हम लीप ईयर कहेंगे, ठीक है। लेकिन मान लो कि 1700 दे दिया, 1800 दे दिया, ठीक है, ये जो सेंचुरी ईयर है, ये सेंचुरी ईयर को हम 4 से नहीं, इस सेंचुरी ईयर को हमें 400 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है, ठीक है।
सो सेंचुरी सॉरी लीप ईयर जानने के लिए सिर्फ डिविजिबल बाय 4 होने से मुझे लीप ईयर मिल जाएगा, ठीक है। सो 10 और 19, 10 से 19 कितना साल, 9 साल, ठीक है। 9 साल में कितना लीप ईयर ना, 9 साल में 2 लीप ईयर, कुल मिला के कितना डेज। मैंने कहा था कि जितना ईयर होगा प्लस जितना नंबर ऑफ लीप ईयर होगा वही होगा मेरा एक्स्ट्रा डे। सो यहां पे कितना ईयर है, 9 ईयर है और 2 लीप ईयर है, कुल मिला के कितना डेज एक्स्ट्रा हुआ मेरा, 11 डेज एक्स्ट्रा हुआ। 11 मतलब कितना एक्स्ट्रा, 7 से, 11 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे, 4। सो 11 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4। ये 4 को कुछ नहीं करेंगे, इस 4 को हाथ पे रखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक 4 है, ठीक है। अब है कहां पे, सितंबर, जाना है कहां, दिसंबर। तो सितंबर तक, सितंबर से स्टार्ट है और मुझे दिसंबर तक जाना है। मैंने क्या कहा था, जिस मंथ से स्टार्ट होगा उसमें बचा कितना दिन है ये मुझे पहले याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो सितंबर में कितना डेज होता है ना, 30 डेज होता है। 30 में हम लोगों ने ले लिए कितने दिन ना, 20 दिन हम लोगों ने ले लिए, 20 दिन हम लोगों ने ले लिए। सो बचा कितना दिन, 10 दिन। 10 मतलब कितना डेज एक्स्ट्रा, जब भी ये वैल्यू 7 से ज्यादा हो जाएगा हम यहां से 7 हटा देंगे, ठीक है। सो बचा कितना ना, 3। और दिसंबर कितना है, दिसंबर तक कहा, 16 दिसंबर तक कहा। तो 16 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2। 7 2 आर 14, रिमाइंडर 2। सो ये मुझे मिला 2। सितंबर और दिसंबर के बीच कोई महीना है, हाँ है। कौन कौन है, एक है मेरा अक्टूबर और एक है मेरा नवंबर। अक्टूबर में नंबर ऑफ डेज कितना होता है, 31। अगर 31 डेज हुआ उसमें एक्स्ट्रा डेज कितना होगा कि 31 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर 3। तो इसके लिए रिमाइंडर कितना मिला मुझे, 3। नवंबर में कितना डेज होता है, नवंबर में 30 डेज होता है, ठीक है। सो एक्स्ट्रा कितना देगा मुझे, 2, क्लियर। सो कुल मिला पे यहां पे कितना हुआ, 3 + 3 = 6 = 8 = 10, क्लियर। और यहां पे एक था ना 4, टोटल कितना हुआ, 3 + 3 = 6 + 2 = 8 + 2 = 10 + 4 = 14। 14 मतलब कितना डेज एक्स्ट्रा, 14 मतलब 0 डेज एक्स्ट्रा। 0 डे मतलब कौन सा डे होगा, ये भी मेरा कौन सा डे होगा ना, ये भी मेरा संडे होगा, ठीक है। 10 से 19, 9 साल, 2 लीप ईयर, 11, 11 मतलब 4 एक्स्ट्रा, 4 और 3 7 पूरा हो गया, 3 2 5 2 7 0 संडे। इतना टाइम लगता है एक क्वेश्चन करने के लिए। क्या कहा, 10 से 19, 9 साल उसमें 2 लीप ईयर, 9 और 2 11, 11 मतलब कितना एक्स्ट्रा ना, 11 मतलब 4 एक्स्ट्रा। जब भी वैल्यू 7 से ज्यादा हो जाएगा हम 7 हटा लेंगे, सो 4 एक्स्ट्रा। 4 और सितंबर कितना देगा, 3, 4 और 3 7, 7 मतलब 0। उसके बाद अक्टूबर देगा 3, नवंबर देगा 2 और दिसंबर देगा 2, 3 2 5 2 7, कितना एक्स्ट्रा हुआ, फिर से 0, 0 मतलब सेम डे। दैट मींस क्या हम कह सकते हैं कि 16/12/2019 मेरा कौन सा डे होगा ना, 16/12/2019 मेरा होगा संडे, ठीक है। सो ये एक प्रोसेस है, क्लियर, इसको आप लोग देख लो पहले। चलो अब दूसरे के टॉपिक के मतलब दूसरा टाइप का क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा ना, दूसरा टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट हमें क्वेश्चन डेट दे देगा, कोई भी डेट मान लो, एक डेट दे दिया और उसके बाद पूछा कि ये डेट कौन सा डेट पे आएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा कि मान लो कि 11/10/2030 मेरा कौन सा डे है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 11/10/2030 मेरा कौन सा डे है,
ठीक है, सबसे पहले बताओ कि इसमें तुम्हें दिखाई क्या क्या दे रहा है। देखो इसमें एक डेट दिखाई दे रहा है, 11 इज द डेट, ये 10th मंथ है, क्लियर, 2030, दैट मींस 30 मेरा ईयर है, और ये जो 2030 है ये 2000 से 2099 ये सेंचुरी ईयर के बीच में है ना। सो 11 इज डेट, 10 इज मंथ, और 2030 ये 30 मेरा ईयर है, जो ईयर किस सेंचुरी ईयर के बिटवीन आता है ना, 2000 से 2099 का में जो टोटल सेंचुरी ईयर है मेरा 100 साल होता है, उस 100 साल में ये 2030 एक ईयर है, ठीक है। सो इसमें मैंने क्या कहा था कि इसमें हमेशा ये कैलेंडर के साथ मैच होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए हमें थोड़ा बहुत कोड याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहले जो कोड आएगा वो कोड है मेरा सेंचुरी कोड। क्या कोड कहा मैंने ना, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड मतलब ये जो 2030 जो ईयर है, ये 2030 ईयर कौन सा सेंचुरी ईयर के बीच में आता है ना, 2000 से 2099 इस सेंचुरी ईयर के बीच में आता है। मान लो कहा 1857, अब 1857 कौन सा सेंचुरी ईयर के बीच में रहेगा ना, 1857 1800 सो 1899 ये सेंचुरी ईयर के बीच में रहेगा, ठीक है। 1206 कौन सा सेंचुरी ईयर के बीच में रहेगा ना, 1200 से 1299 ये सेंचुरी ईयर के बीच में रहेगा। सो इसके लिए हमें एक सेंचुरी कोड याद रखना पड़ेगा, कैसा ना, अगर 1700 से 1799 के बीच अगर कोई ईयर दिया तो एक कोड होगा, 1800 से 1899 के बीच अगर कोई ईयर दिया तो एक कोड होगा, 1900 से 1999 के बीच अगर कोई ईयर दिया तो एक कोड होगा, और 2000 से 2099 के बीच जो ईयर देगा उसका एक कोड होगा। ये जैसे हम लोग एटीएम का पिन नंबर याद रखते हैं उसी तरह से सिर्फ ये चार नंबर मुझे सिर्फ याद रखना पड़ेगा, और वह नंबर कैसा है ना, नंबर है 4206। अब ये दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन क्या सिर्फ इसी सेंचुरी ईयर के बीच में देगा, मान लो दे दिया 1414, ठीक है, इतना ईयर दे दिया, ठीक है, तो इसके लिए 1414 इसका कोड क्या होगा ना, 1414 कौन सा ईयर का कोड के अंदर, सॉरी कौन सा सेंचुरी ईयर के बीच में रहता है ना, 1400 से 1499 ये सेंचुरी ईयर का बीच में है। सो सिर्फ ये याद रखना कि ये सेंचुरी कोड है, ये रिपीट करता है, रिपीट्स इन एवरी 400 ईयर्स। So, 1400 से 400 अगर आगे जाता है कौन सा आता है, 1800। So, 1800 का कोड क्या है, 4206। So, 1400 का कोड भी होगा 4206, मतलब 1700, 1800, 1900, 1200, 4206। इसके बाद अगर 2100, 2200, 2300, 2400 आया उसका भी कोड होगा 4206। ये चार साल में 4206, फिर चार साल में 4206, मतलब 400 साल में, फिर 400 साल में 4206, ऐसे करके करते करते ये 4206 ही आता जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए कौन सा कोड ना, ये सेंचुरी कोड, ठीक है। उसके बाद आएगा मेरा मंथ कोड। हम पता है कि हमें कितना टाइप का ईयर होता है ना, दो टाइप का ईयर होता है, एक ऑर्डिनरी ईयर का और एक लीप ईयर का। ये कोड जो है, ये जो कोड है वो ऑर्डिनरी ईयर के लिए ही है, बट लीप ईयर में हमें एक्स्ट्रा कोई कोड याद रखना नहीं पड़ेगा, इस कोड से ही मेरा आंसर आ सकता है, ठीक है। सो सबसे पहले बताओ कि कितना मंथ होता है ना, टोटल मंथ मेरा रहता है 12, जहां पे फर्स्ट मंथ कौन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर।
सो मुझे कितना मंथ मिला ना, टोटल मेरा 12 मंथ्स है। और कौन 30 है और कौन 31 है, ये हम यहां से भी सोच सकते हैं। जो बीट में होगा वो 31 का, जो नीचे होगा एक्सेप्ट फेब्रुअरी वो 30 का। सो जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उस पे ही अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो टॉप पे है वो 31 डेज का है और जो नीचे है वो 30 या 28 डेज इन फेब्रुअरी, ऐसा होता है। ठीक है, सो अब बताओ कि जनवरी के पहले कोई महीना होता है? नहीं। इस एक ही साल में जनवरी के आगे कोई महीना होता है? नहीं। इसलिए जनवरी का कोड होता है मेरा 0। ठीक है, अब देखो जनवरी में नंबर ऑफ डेज कितना है मेरा? 31। अगर 31 को हम 7 से डिवाइड कर दिए तो रिमाइंडर मिलेगा कितना? 3। 3 के साथ अगर ये 0 ऐड करते हैं तो मुझे कितना देगा? 3। दैट्स व्हाई कोड ऑफ फेब्रुअरी इज आल्सो 3। कैसे आया ना, जनवरी के पहले कोई महीना नहीं है इसलिए जनवरी का कोड है 0। जनवरी में नंबर ऑफ डेज कितना होता है? जहां जनवरी में नंबर ऑफ डेज होता है मेरा 31, उसमें से हम लोगों ने कितना डेज ले लिए, सॉरी, उसमें 31 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3। 3 प्लस 0 गिव्स यू 3। पहले ही बता दिया ये मेरा कौन सा ईयर था ना, ये मेरा ऑर्डिनरी ईयर था। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर मतलब फेब्रुअरी में कितना दिन? फेब्रुअरी में 28 डेज। 28 को अगर हम 7 से डिवाइड किए रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0। 0 प्लस 3 कितना होता है? 3। दैट्स व्हाई कोड ऑफ मार्च इज आल्सो 3। ठीक है, सो मार्च का कोड कितना मिला? 3। अब बताओ मार्च में नंबर ऑफ डेज कितना होता है ना, मार्च में नंबर ऑफ डेज होता है मेरा 31, उसको अगर 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे? 3। 3 और मार्च का 3 कुल मिला के 6। सो इसलिए अप्रैल का कोड है 6। ठीक है, अप्रैल में नंबर ऑफ डेज ना, अप्रैल में नंबर ऑफ डेज होता है मेरा 30। 30 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं कितना मिलेगा? 2। 6 प्लस 2 कितना होता है? 8। मैंने पहले ही क्या कहा था कि जब भी मेरा डे 7 से ज्यादा हो जाएगा हम क्या करेंगे, वहां से 7 को हटा देंगे। ठीक है, सो अप्रैल में मिला 30। 30 मतलब कितना डेज एक्स्ट्रा ना, 30 मतलब 2 डेज एक्स्ट्रा। 2 और 6 कितना होता है? 8। जब भी मेरा 7 से ज्यादा हो जाएगा हम वहां से 7 को हटा देंगे। सो 8 से अगर 7 हटा दिया बचा कितना? 1। इसलिए मे का कोड है मेरा 1। ठीक है, अब मे के मे में नंबर ऑफ डेज कितना होता है? 31। उसको अगर 7 से हम डिवाइड करते हैं एक्स्ट्रा कितना रहता है? 3। 3 और 1 कितना हुआ? 4। सो दैट्स व्हाई कोड ऑफ जून इज 4। ठीक है, अब जून में कितना डेज है ना, जून में 30 डेज है। 30 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना? 2। 2 और ये 4 कितना हुआ? 6। इसलिए जुलाई का कोड हो गया मेरा 6। ठीक है, जुलाई में नंबर ऑफ डेज 31, एक्स्ट्रा 3। 3 प्लस 6 9। 7 से ज्यादा है ना तो 7 हटा देंगे के बाद कितना पड़ा हुआ रहता है? 2। दैट्स व्हाई अगस्त का कोड है मेरा 2। ठीक है, नाउ अगस्त नंबर ऑफ डेज इन अगस्त 31। 7 से अगर डिवाइड किए तो एक्स्ट्रा डेज 3। 3 और 2 कितना हुआ? 5। दैट्स व्हाई सितंबर का कोड है मेरा 5। ठीक है, अब सितंबर में नंबर ऑफ डेज कितना होता है ना, सितंबर में नंबर ऑफ डेज होता है मेरा 30। 30 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? 2। 5 और 2 कितना हुआ? 7। 7 मतलब कितना डेज एक्स्ट्रा ना, 7 मतलब 0 डेज एक्स्ट्रा। दैट्स व्हाई कोड ऑफ अक्टूबर इज 0। अब बताओ अक्टूबर में नंबर ऑफ डेज कितना है ना, अक्टूबर में नंबर ऑफ डेज है मेरा 31। एक्स्ट्रा मिला 31 को 7 से डिवाइड करके एक्स्ट्रा मिला 3। तो 0 प्लस 3 3। दैट्स व्हाई कोड नवंबर का कोड भी मेरा कितना है ना, 3 है। ठीक है, नवंबर नवंबर में नंबर ऑफ डेज कितना होता है? 30। 30 को अगर हमने 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। 3 और 2 कितना होता है? 5। दैट्स व्हाई कोड ऑफ दिसंबर इज 5। सो द होल कोड इज 0336146250 35। क्या कहा? 0336146250
25035, ये तुम दिमाग पे रख भी सकते हो, इसको ऐसे निकाल भी सकते हो। सो देखो तुम्हें सिर्फ ये याद रखना पड़ा कि सेंचुरी कोड कैसे बनेगा। क्लियर? सो एक मेरा सेंचुरी कोड हुआ, एक मेरा मंथ कोड हुआ, इसके बाद आएगा मेरा डे कोड। डे कोड मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है? मतलब यह सिर्फ कोड से याद रखना पड़ेगा। संडे जीरो, अगर संडे जीरो हुआ, मंडे वन, ट्यूसडे टू, वेनेसडे थ्री, थर्सडे फोर, फ्राइडे फाइव, सैटरडे सिक्स। तो मुझे क्या क्या लगा ना, मुझे एक सेंचुरी कोड लगा। सेंचुरी कोड में सिर्फ 1700 से 1799, 1800 से 1899, 1900 से 1999 और 2010 से 2099, इस सिर्फ 400 साल का मुझे कोड याद रखना पड़ेगा। और ये 4206 हमेशा क्या होगा ना, रिपीट होता होता जाएगा। ठीक है? उसके बाद क्या आएगा ना, उसके बाद मेरा मंथ कोड आएगा। जो मंथ कोड किस ईयर के लिए है ना, जो मंथ कोड मेरा ऑर्डिनरी ईयर के लिए है। ठीक है? गुड। सो उसमें कैसे मिला, जनवरी, आगे कोई महीना नहीं है इसलिए जनवरी का कोड है जीरो। जनवरी में नंबर ऑफ डेज 31, एक्स्ट्रा 3, 3 प्लस 0 3, दैट्स व्हाई कोड ऑफ फरवरी इज 3। मैंने ऑर्डिनरी ईयर कहा था, दैट्स व्हाई फरवरी में नंबर ऑफ डेज होगा मेरा 28, 28 मतलब 0 डेज एक्स्ट्रा, 0 प्लस 3 गिव्स यू 3, सो द कोड ऑफ मार्च इज 3। मार्च में नंबर ऑफ डेज कितना होता है ना, मार्च में नंबर ऑफ डेज होता है मेरा 31, एक्स्ट्रा डेज 3, 3 प्लस 3 6, दैट्स व्हाई अप्रैल का कोड हुआ मेरा 6। अप्रैल में नंबर ऑफ डेज 30, 7 से डिवाइड किए तो एक्स्ट्रा 2, 6 प्लस 2 8, 8 मींस 1 डेज एक्स्ट्रा, दैट्स व्हाई कोड ऑफ मे इज 1। मे में नंबर ऑफ डेज 31, एक्स्ट्रा 3, 3 प्लस 1 4। जून में नंबर ऑफ डेज 30, एक्स्ट्रा 2, 4 प्लस 2 6, दैट्स व्हाई दिस 6। जुलाई नंबर ऑफ डेज 31, एक्स्ट्रा 3, 6 प्लस 3 9, 9 मींस 7 से 2 ज्यादा, दैट्स व्हाई अगस्त इज 2। अगस्त नंबर ऑफ डेज 31, एक्स्ट्रा 3, 3 प्लस 2 5, दैट्स व्हाई सितंबर इज 5। सितंबर नंबर ऑफ डेज 30, एक्स्ट्रा 2, 5 प्लस 2 7, दैट्स व्हाई कोड ऑफ अक्टूबर इज 0। अक्टूबर नंबर ऑफ डेज 31, एक्स्ट्रा 3, 0 प्लस 3 3, दैट्स व्हाई कोड ऑफ नवंबर इज 3। नवंबर नंबर ऑफ डेज 30, एक्स्ट्रा 2, 3 प्लस 2 5। सो ये कोड हो गया मेरा 0336146250 35। 1 में 3, 1 में 4, 1 में 5, कोई भी तरीका से तुम इसे याद रख सकते हो। ठीक है? उसके बाद आता है मेरा कौन ना, डे कोड। डे कोड में सिर्फ संडे जीरो ये याद रखना, बाद बाकी अपने आप चला आएगा। ठीक है? सो ये गया मेरा डेटा। ओके, अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एक डेट देगा और पूछेगा कि वो कौन सा डे होगा। ठीक है? तो इसको करेंगे कैसे ना, इसको करने के लिए फर्स्ट रहेगा मेरा डेट। ठीक है? उसके बाद रहेगा मंथ कोड, उसके बाद रहेगा ईयर, उसके बाद रहेगा नंबर ऑफ लीप ईयर, उसके बाद रहेगा सेंचुरी कोड, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 7। क्लियर? क्या क्या कहा ना, पहले क्या कहा ना, पहले कहा डेट, उसके बाद कहा मंथ कोड, उसके बाद कहा ईयर, उसके बाद कहा नंबर ऑफ लीप ईयर, उसके बाद कहा सेंचुरी कोड। ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद, ये पूरा कैलकुलेशन को क्या करना पड़ेगा ना, 7 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है? तो चलो करते हैं। डेट मतलब कौन सा, डेट मतलब ये जो 11 देगा, ये 11 हो गया मेरा डेट। ठीक है? प्लस मंथ कोड, ये कौन सा मंथ है ना, 10 मतलब अक्टूबर, अक्टूबर का कोड कितना है ना, अक्टूबर का कोड है मेरा 0। सो मंथ कोड कितना मिलेगा मुझे, 0।
ईयर कौन सा मिलेगा ना, ईयर जो लास्ट दो दो डिजिट है, जो लास्ट दो डिजिट है वही है मेरा ईयर। वो अगर 1996 हुआ सो 96 मेरा ईयर, वो अगर 2040 हुआ तो 40 मेरा ईयर, वो अगर 2030 हुआ तो 30 मेरा ईयर। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना ना 30 प्लस लीप ईयर। इस लीप ईयर के लिए मुझे क्या सोचना पड़ेगा ना, देखो अभी तक हम लोग सभी को किससे डिवाइड कर रहे थे ना, 7 से डिवाइड कर रहे थे, और किसको ले रहे थे ना, किसको ले रहे थे हम लोग ना, रिमाइंडर को ले रहे थे। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर पे जो लास्ट दो डिजिट होगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्लियर, उसको हम 4 से अगर डिवाइड करेंगे उसमें अगर कोई कोशेंट जो होगा वो मेरा आंसर होगा, उसमें जो कोशेंट होगा वो मेरा आंसर होगा। जैसे यहां पे ईयर कितना है मेरा 30 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं सो कोशेंट कितना है 7, सो नंबर ऑफ लीप ईयर कितना मिलेगा मुझे 7। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरा सेंचुरी कोड, ये ईयर कौन सा सेंचुरी के बीच है ना, ये 2030 2000 से 2099 इस सेंचुरी ईयर के बीच में है, राइट, दैट्स व्हाई ये कोड कौन सा लगेगा ना, ये कोड लगेगा 6, सो दैट्स व्हाई ये होगा 6। सो कुल मिला के ये कितना हुआ, कुल मिला के ये कितना हुआ ना, 11 प्लस 30 41 प्लस 7 48 प्लस 6 कितना हुआ 54। सो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हुआ मेरा 54। अभी मैंने क्या कहा था, इन पूरा को किससे डिवाइड करना है ना, 7 से डिवाइड करना है। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं सो कितना दिन बचा 5। अब मेरा आएगा ये डे कोड वाला चीज ना, कितना दिन एक्स्ट्रा हुआ ना, 5 दिन एक्स्ट्रा हुआ। 5 मतलब कौन सा डे, फ्राइडे। सो 11 10 2030 मेरा कौन सा डे होगा ना, मेरा फ्राइडे होगा। ठीक है, ठीक है, सो पहले ये देख लो। तो देखो कितना आसानी से हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक दूसरा सवाल भी हम लोग करते हैं अभी। सपोज क्वेश्चन दिया कुछ ऐसे कि 15th August 1947 हम लोगों का कौन सा डे है, इस दिन हम लोगों का इंडिपेंडेंस हुआ था। ठीक है, 15th August 1947 क्वेश्चन ऐसा देता है कि 15th August 1947 मेरा कौन सा डे है। ठीक है, 15th August 1947 मेरा कौन सा डे है। क्लियर, सो सबसे पहले कौन आएगा ना, 15 क्योंकि वो डेट है, प्लस उसके साथ कौन आएगा अगस्त, अगस्त मतलब अगस्त का कोड देखना पड़ेगा कितना 2, सो ये आएगा मेरा 2, प्लस ईयर कितना कहा था मैंने पूरा लेंगे तो मेरा 47, प्लस उसके बाद क्या आएगा नंबर ऑफ लीप ईयर। सो नंबर ऑफ लीप ईयर को कैसे याद रखे, 47 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 47 अगर डिवाइडेड बाय 4 किए तो क्वेश्चन कितना आएगा 11, सो नंबर ऑफ लीप ईयर इज 11। नाउ उसके बाद आएगा मेरा क्या ना, सेंचुरी कोड। ये 1947 कौन सा सेंचुरी ईयर के बीच में है ना, 1947 ये 1900 से 99 इस सेंचुरी ईयर के बीच में है ना, दैट्स व्हाई इसका कोड कितना होगा ना 0। सो टोटल कितना हुआ 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 47 इज 64, 64 प्लस 11 इज 75। 75 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं सो 7 10s are 70, रिमेनिंग कितना 5, 5 मतलब कौन सा डे, फ्राइडे। सो 15th August 1947 मेरा कौन सा डे निकला ना, फ्राइडे निकला। ठीक है,
सो क्वेश्चन आ सकता है या तो एक डेट दे के दूसरा कोई डेट पूछेगा, क्लियर, या तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक डेट दे दिया और वो डेट कौन सा होगा ये पूछेगा, क्लियर। सो सबसे पहले ये तुम लोग थोड़ा देख लो, ठीक है, कि सेंचुरी कोड इसमें, दैट मींस इसमें क्या क्या लगेगा ना, इसमें सिर्फ लगेगा जो है वो है मेरा, एक लगेगा सेंचुरी कोड, एक लगेगा मंथ कोड और एक लगेगा मेरा डे कोड। सेंचुरी कोड में क्या क्या याद रखना पड़ेगा, सिर्फ चार साल का, 1700, 1800, 1900 और 2000, ठीक है, इससे ही सभी ईयर का कोई भी सेंचुरी ईयर दे उस सभी का कोड आ जाएगा, ठीक है, 4206, 4206, 4206 ऐसे करके, क्लियर। नहीं, उसके बाद आएगा क्या ना मंथ कोड, मंथ कोड में कौन आएगा ना, मंथ कोड सिर्फ ऑर्डिनरी ईयर के हिसाब से ही आएगा, अगर कोई लीप ईयर हुआ उसके लिए थोड़ा बहुत हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। मंथ कोड कैसा है ना, जनवरी का है 0, फरवरी का है 3, मार्च का है 3, अप्रैल का है 6, मई का है 1, जून 4, जुलाई 6, अगस्त 2, सितंबर 5, अक्टूबर 0, नवंबर 3, दिसंबर 5, ठीक है। तो ये पूरा कोड हो गया 033 जनवरी फरवरी मार्च, 6146 25035, ठीक है। सो 033 6146 25035, दिस इज माय मंथ कोड। और उसके बाद आएगा कौन ना, उसके बाद आएगा डे कोड। डे कोड में किसको लेना है ना, सिर्फ संडे मेरा 0, उसी हिसाब से क्या आएगा, मंडे आएगा 1, ट्यूसडे आएगा 2, थर्सडे आएगा 4, फ्राइडे आएगा 5, सैटरडे आएगा 6, इस कॉन्सेप्ट से। और ये कॉन्सेप्ट कभी भूलना मत, उसके बाद क्या देखना पड़ेगा ना, पहले देखना पड़ेगा डेट, उसके बाद मंथ कोड, उसके बाद ईयर, उसके बाद नंबर ऑफ लीप ईयर, उसके बाद सेंचुरी कोड, ठीक है। पूरा जो कैलकुलेट होगा वो पूरा किससे डिवाइड होगा ना, 7 से, जो रिमाइंडर आएगा। अच्छा मान लो कि रिमाइंडर कुछ आया ही नहीं, That means 70 आया, 70 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0, 0 मतलब कौन सा डे होगा मेरा, संडे, क्लियर। सो एक क्वेश्चन दे सकता है उस कॉन्सेप्ट से, एक कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन दे सकता है इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। सो ये थोड़ा लिख लेना कि सेंचुरी कोड होगा मेरा 4206 1700 1800 1900 एंड 2000। अब मान लो कहा कि 29 मार्च 1212, सो उसका भी उसी लॉजिक, 29 + 3 + 12 + नंबर ऑफ लीप ईयर + सेंचुरी। अब मुझे बताओ कि 12 12, ये जो ईयर है ये 1200 से 1299 इस सेंचुरी ईयर के बीच में है, ठीक है। सो उसका कोड किसके साथ मैच होगा ना, 1200 का कोड 1600 से मैच होगा और 1600 का कोड 2000 से मैच होगा, मतलब 800 1200 1600 2000 2400, इन सभी का कोड है मेरा 6, क्लियर। 1100 1500 1900 2300 2700, इन सभी का कोड है मेरा 0, ठीक है। 1400 1800 2200 2600, इस सेंचुरी ईयर में जो ईयर आएगा उसका सेंचुरी कोड होगा मेरा 2, क्लियर। या तो 1100 1500 1900, इन सभी का कोड सेम है, उसी तरह से 900 1300 1700 2100, इन सभी सेंचुरी ईयर में अगर कुछ ईयर पूछा तो उसका कोड कितना होगा ना, उसका कोड होगा 4, क्लियर। सो ये थोड़ा देख लो कि सेंचुरी कोड है एक, मंथ कोड है एक, डे कोड है एक, ठीक है। उसके बाद एक डेट देगा, उसी हिसाब से हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि पहले डेट, उसके बाद मंथ कोड, उसके बाद ईयर, उसके बाद नंबर ऑफ लीप ईयर, उसके बाद सेंचुरी कोड। ये पूरा कैलकुलेशन किससे डिवाइड होगा ना, ये पूरा कैलकुलेशन 7 से डिवाइड होगा, ठीक है, करके जो मेरा रिमाइंडर आएगा उसी हिसाब से ये डेट का कॉन्सेप्ट आएगा, क्लियर, ओके। तो चलो हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि इस क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन किस तरह से आता है, ओके। सो